वेलकम टू आर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम्स के बारे में, लाइक देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, उसके बाद अभी लिवरपूल जॉन्स मोर्स है, उन्होंने भी रिसेंटली यहाँ पर पार्टनरशिप की है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं लाइक LLB, बिजनेस स्टडीज़ और बहुत सारे। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से जो ईयर वन वो पाकिस्तान में करते हैं, लाइक कोई भी रीज़न हो सकती है। अब क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, क्या वो अब्रॉड अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करा सकते हैं सेम यूनिवर्सिटी में, या उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा इनटेक उनके लिए अवेलेबल होता है, क्या उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, आज हम इन्हीं सब पे बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम अमाइमा इफ्तखार, स्टूडेंट काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड अलॉन्ग विद मी इज मिस्टर अजीम कासिम, हु इज़ फाउंडर एंड CEO ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि व्हाट इज एक्सटर्नल डिग्री। महिमा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया है कि एक्सटर्नल डिग्री इज़ बेसिकली अ डिग्री ऑफ अ फॉरेन यूनिवर्सिटी दैट कुड बी एनी यूनिवर्सिटी ऑफरिंग इन पाकिस्तान विद द कोलैबोरेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, लाइक जैसे बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज है, TMUC है, रूट्स है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में रह के फॉरेन डिग्री ऑफर कर रहा है तो उसको हम एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसमें आप देखें कि अब तो पहले तो खैर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन होती थी, अब तो खैर उसमें रॉयल हॉलोवे भी आ चुकी है, लिवरपूल जॉन मॉर्स यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है, BPP भी ऑफ़र कर रही है, और उसके साथ साथ हर्टफोर्डशायर है, बेडफोर्डशायर है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है ना, काफ़ी ट्रेंड जो है ना वो इस वक्त देखने में आ रहा है, जो एक्सटर्नल जो डिग्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में ऑफ़र हो रही हैं। और इसकी वजह तो खैर सिंपल, कुछ स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा सकते, क्या नाम उसका, ऑब्वियसली कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, कुछ कॉस्ट के बैरियर्स आ जाते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम, हाँ एज, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी बच्चा छोटा है, मैंने अभी ईयर वन में नहीं भेजना, तो फॉर एनी रीज़न, तो फिर वो ईयर वन जो है ना पाकिस्तान में, या डिग्री पूरी अपनी पाकिस्तान में करते हैं, तो उन प्रोग्राम्स को जो है ना हम नॉर्मली एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम्स कहते हैं। सर, बेसिकली हाउ इट इज़ बीइंग ऑफर्ड। देखें, उसमें ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड की, वो कोलैबोरेशन करती हैं, क्या नाम उसका, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ पाकिस्तान में। जैसे मैंने बताया कि बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज है, उसके अलावा TMUC है, रूट्स है, तो विद देयर कोलैबोरेशन उनकी जो ट्यूशन है सारी, उनकी जो कोर्सेज हैं, उनका जो कह लें क्या नाम उसका रिसर्च वर्क है, वो सारा इधर ही होता है पाकिस्तान के अंदर, और जो ग्रेडिंग है सारी वो कहता हूँ उसका यूनिवर्सिटी से आती है, और कुछ के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, क्या नाम उसका एक्सटर्नल, उसकी फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है, और इवेंचुअली आपको जो डिग्री मिलती है वो आपको मेन यूनिवर्सिटी की मिलती है, क्या नाम, लाइक हर्टफोर्डशायर, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, या लिवरपूल, जिसमें भी आपने एडमिशन लिया हुआ है। तो 3 ईयर्स प्रोग्राम है कहते बैचलर्स का, जैसे UK में होता है, और 3 साल में आपकी डिग्री यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है। सर, बेसिकली आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि ईयर टू इन UK और लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लेट्स से कि कोई स्टूडेंट है, उसने ईयर वन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया हुआ है, क्या उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र या ईयर टू ले ले, या उस वो लाइक वो बाउंड है उसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। देखिए महिमा, स्टूडेंट इज़ नॉट बाउंड टू द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मतलब कि अगर एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ईयर वन कर लिया है, या उसने हर्टफोर्डशायर से पाकिस्तान में रह के ईयर वन कर लिया है, तो लाजमी नहीं है कि वो सेम यूनिवर्सिटी में ही ट्रांसफ़र लेगा, उसके पास ऑप्शन है, वो किसी और यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है अपने ईयर टू के लिए और ईयर थ्री के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या नाम उसका, द थिंग इज़ कि नंबर वन, आपके जो ईयर वन के जो जितने भी मॉड्यूल 4 पढ़े हैं आपने, 5 पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री यू आर स्टडिंग इन पाकिस्तान, वो आपके सारे पास होने चाहिए, बट यू हैव टू अप्लाई अर्लियर, यानी कि आपको थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना पड़ती है अप्लीकेशन। और जैसे कि मेहमान ने पूछा कि क्या नाम उसका, क्या क्या नाम उसका सेम यूनिवर्सिटी में ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, लाइक हर्टफोर्डशायर जा सकते हैं, कोवेंट्री जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में भी आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप उसमें ले सकते हैं, अनलेस क्या नाम उसका, वो जो यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाह रहे हैं वो ईयर टू की एंट्री ऑफर कर रही हो। सेम ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या हर यूनिवर्सिटी ईयर टू एंट्री ऑफर करती है, या कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं फॉर ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें मेरा आंसर है नो। तमाम यूनिवर्सिटीज़ UK में जो है ना वो ईयर टू की एंट्री ऑफर नहीं करती। अब उसमें समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स
ईयर वन में तो कंटिन्यू नहीं कर पाता यूके में, क्या नाम उसका, सम हाउ किसी वजह से रह जाते हैं पाकिस्तान में, या ईयर वन यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, और ईयर टू उनका प्लान होता है कि हम किसी मतलब कि प्रोफाइल यूनिवर्सिटी में जाएँ, रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, बट अनफॉर्चुनेटली तमाम यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं कि हमारे पास सिर्फ ईयर वन की एंट्री अवेलेबल है, अगर आपने ईयर वन में आना तो वी कैन ऑफर यू, बट इफ़ यू आर विलिंग टू स्टार्ट ईयर टू वी कैन नॉट ऑफर यू प्रोग्राम। अब उसमें जैसे जो आपकी KCL है, LSE है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, जितनी भी बड़ी आपकी जो टॉप 10 टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपको ईयर टू की एंट्री नहीं ऑफर करती यूके में, अगर आपने ईयर वन पाकिस्तान में रह के किया हो। अदर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ केस टू केस बेसिस जो है ना इसको देखती हैं, और क्या नाम उसका, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कन्फर्म एक्सेप्ट करती हैं, जो उनका मतलब कि हमें भी कन्फर्म है कि वो एक्सेप्ट करती हैं, कुछ केस टू केस बेसिस देखती हैं। सर, इन इस एप्लीकेशन के लिए, लाइक क्रेडिट ट्रांसफ़र कह लें, ये टू कह लें, इस एप्लीकेशन के लिए कौन सी इनटेक अवेलेबल होती है? अगर मैं वैसे फॉर एग्जांपल मैं यूके की बात करती हूँ, कि यूके की बात करती हूँ, देर आर थ्री इनटेक्स, सितंबर, जनवरी एंड मई, तो इसके लिए क्या हम इन तीनों इनटेक्स में अप्लाई कर सकते हैं, या हम किसी एक टेक के लिए स्पेसिफ़िक हमें अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए महिमा, आपको पता है कि जो ईयर टू की एंट्री है, नॉर्मली वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो यू कैसे ले रही होती है, नंबर वन। नंबर टू, ईयर टू की जो एंट्री है वो सितंबर में ही देखने को मिलती है, वो जैन में या मई में देखने को नहीं मिलती। अगर आपने ईयर वन पाकिस्तान से किया है या करने लगे हैं, या आपका प्लान है कि मैं एक साल पाकिस्तान से करूँ, उसके बाद मैं ईयर टू ट्रांसफ़र ले लूँ अपना किसी और यूनिवर्सिटी में, यूके में चला जाऊँ, तो आपको सितंबर इनटेक ही मिलेगा किसी भी रनिंग ईयर का। जैसे अगर हम अब 2021 में बैठे हुए हैं, तो 2021 का आपको सितंबर इनटेक मिलना था, यानी कि अब जो सितंबर ही चल रहा है। और इसी तरह अगर आपने अगले साल लेना है ईयर टू की एंट्री और एक साल आपने पाकिस्तान पढ़ना है, तो आपको सितंबर 2022 का ही इनटेक मिलेगा। चूँकि ईयर टू की जो एंट्री है वो लिमिटेड होती है, आपने ईयर टू के बच्चों के साथ जाके बैठना है, आपकी क्लासेज जो है ना मर्ज होनी है, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आपको ईयर वन ईयर टू की जो एंट्री है वो जैन में, मई में तो पॉसिबल ही नहीं ना है, पॉसिबल ही नहीं है जैन में। डिपेंड करता है, अगर कोई यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल हो, क्या नाम उसका, पिछला बैच, तो वो ऑफर कर देती हैं, बट देखने में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 99.9% सितंबर इनटेक ही मिलता है ईयर टू की एंट्री में। सर, व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप, जो हर बच्चे को चाहिए होती है? अच्छा, अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें, तो अगर एक यूनिवर्सिटी ईयर वन में भी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, तो मोस्ट लाइकली वही सेम स्कॉलरशिप वो ईयर टू में ऑफर नहीं करते। यानी कि काफ़ी बच्चे जिनके अच्छे ग्रेड्स होते हैं ए लेवल्स में, दे कैन अचीव 5,000, 10,000, 15,000 pounds स्कॉलरशिप, बट ईयर टू में उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लिख के लगाया होता है कि दिस स्कॉलरशिप इज़ ओनली अवेलेबल फॉर ईयर वन एंट्री रूट, और दिस स्कॉलरशिप इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ईयर टू एंट्री रूट। तो कुछ जो स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होती है, जैसे बर्सरी बोलते हैं आप, डिस्काउंट्स बोलते हैं, 2,000 pounds, 3,000 pounds, 4,000 pounds, 5,000 pounds तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर देती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ईयर टू एंट्री, के उनके पास ईयर टू की एंट्री अवेलेबल है विद द स्कॉलरशिप उसमें। लेकिन ईयर टू में आप कह लें कि ईयर वन की नस्बत जो है ना स्कॉलरशिप्स के चांसेस जो है ना वो कम होते हैं, और ऑप्शंस भी लिमिटेड होती हैं, बट ऑप्शंस होती हैं, और क्या नाम उसका, जब अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो आपको सारी जो लिस्ट है मिल जाती है, और चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं, उसमें फिर हम कोई ना कोई अवेल कर लेते हैं। सर, मैंने इस पूरी डिस्कशन से जो है कंक्लूजन ये निकाला है कि हमें ईयर टू से ज़्यादा ईयर वन करना चाहिए, आई गेस, अगर हम स्कॉलरशिप भी देख रहे हैं, अगर हम प्रोफाइल यूनिवर्सिटी भी देख रहे हैं, अगर हम इनटेक में भी थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, तो क्या हमें ईयर वन के लिए जाना चाहिए? देखिए, अगर तो प्लान है बाहर जाने का, तो प्रेफरेंस जो है ना वो देनी चाहिए ईयर वन को, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं स्कॉलरशिप्स की भी, यूनिवर्सिटीज़ की भी, और क्या नाम उसका, प्लस आपको जो ईयर वन में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ईयर वन में अपनी इंटर्नशिप्स लॉन्च करती हैं फॉर ईयर सेकेंड एंड ईयर थर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे ईयर वन में वहाँ पर नहीं होते यूके में, फिर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करने का। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ईयर वन में मिलती हैं, बट अगर आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईयर टू की एंट्री आपको, क्या नाम उसका, कंसिडर ही नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली प्रोफाइल टू प्रोफाइल, केस टू केस बेसिस करता, अब एक स्टूडेंट है उसको ईयर वन में वो नहीं जा सका, उसका रिजल्ट लेट आया, उसके कोई इशूज़ बन गए हैं, कोई फैमिली कमिटमेंट थी, कोई मसला आ गया, तो उसके बावजूद यानी कि उसने ईयर वन अपना कंटिन्यू किया, तो ऑब्वियसली आप ईयर टू वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके पैरेलल देखें तो ईयर टू में अगर आप बाहर जाते हैं,
तो आपकी एक साल की कॉस्ट भी कम हो जाती है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। आपकी ईयर टू में अगर आप जाते हैं तो आपकी पूरे एक साल की कॉस्ट बचेगी। आपने ईयर वन पाकिस्तान से कर लिया, ईयर टू आपने लंदन से किया या कहीं से भी किया अगर आपने, और ईयर थ्री वहाँ से किया, तो आपको तकरीबन 1.5 से 1.5 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी बैचलर्स की। आपका जो एक्सपेंस आएगा बनाने का वो 1.5-2 साल का आएगा। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सटर्नल प्रोग्राम को ज़रा डिटेल डिस्कस किया, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ईयर वन यहाँ से कर लिया होता है, इन टर्म ऑफ स्कॉलरशिप, इनटेक, लाइक एवरीथिंग। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।